विरार पश्चिम के बोलिंग क्षेत्र में तनिष्का कामले नाम की एक किशोरी की बीते 16 अगस्त को बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में 31 अगस्त को मराठी दैनिक लोकसत्ता में एक खबर आई थी, जिसके अनुसार पीड़ित परिवार को तनिष्का की मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करवाने को लेकर हो रही समस्याओं और उनका यानी परिवार का मनोबल तोड़ने के किए जा रहे प्रयास के बारे में परिवार द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया था। इस खबर के आने के बाद मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के अरनाला सागरी पुलिस स्टेशन में तनिष्का की मौत के जिम्मेदार लोगों पर लापरवाही करने और तनिष्का की मौत का जिम्मेदार होने का मामला दर्ज किया गया। तनिष्का के पिता की तहरीर पर महानगर पालिका, बिजली विभाग और ठेकेदारों पर मामला दर्ज किया गया है। लड़की के पिता ने अपनी बेटी तनिष्का की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए महानगरपालिका, बिजली विभाग के कर्मचारी और ठेकेदारों के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज कराया है। वसई विरार में विभागीय लापरवाही आम लोगों पर भारी पड़ रही है। गड्ढों में गिरने से रोजाना लोग हादसों के शिकार हो रहे हैं, तो कहीं खुले नालों में बह जाने से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। विरार पश्चिम बोलिंज स्थित कृष्णा मथुरा नगर के एम्ब्रॉल सोसाइटी में रहने वाली तनिष्का मंगलवार शाम 5 बजे मथुरा नगर स्थित ज्ञानदीप ट्यूशन क्लासेस जा रही थी। रास्ते में पानी भरा हुआ था। तनिष्का पानी में चल रही थी कि तभी अचानक उसे करंट लगा और सड़क पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी में बिजली टूट कर गिरे होने के कारण तनिष्का को पैर में करंट लगा, जिसके बाद मौजूद लोगों ने वहां पे विभाग बिजली विभाग के कर्मचारियों को कॉल किया और मौके पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने वहां बिजली आपूर्ति बंद की और तनिष्का को बाहर निकाला। उसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 14 वर्ष की मासूम तनिष्का की हुई मौत से लोग आक्रोशित हैं और इस मामले में जो भी विभागीय लोग जिम्मेदार हैं उन पर लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।